चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपके पार्टनर के दिल की बात। देखते हैं आपके पार्टनर औरों से आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या बातें करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में, लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ओके, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो एनर्जीज भी स्किप हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में, इनको लेकर के क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या बातें कर रहे हैं ये व्यूअर्स के बारे में। ओके, सो बजरंगबली प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है। चलिए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, शांत कर लीजिए बिल्कुल दिमाग को। कोई भी नेगेटिव सोच अगर दिमाग में चल रही हो तो एक सेकेंड आँख बंद कीजिए और उसको गायब कर दीजिए। कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। फर्स्ट कार्ड निकालते, ओ माय गॉड फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड। सो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अब तो भाई दिल थाम के ही आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही कार्ड ने आपके पार्टनर के दिल का हाल बयां कर दिया है, उनकी हालत बयां कर दी है। सो अगर आपको, आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, मिनिमम कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, जिस भी कंडीशन में आप हैं, चाहे आप किसी से दूर दूर से ही प्यार करते हैं, बट आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड भी आया है, कप्स का कार्ड। सो बल्ले बल्ले तो हो रही है ना। अगर आपके दिल में कोई भी डाउट है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपको ध्यान नहीं देते हैं, आपकी तरफ बिल्कुल आपके बारे में सोचते नहीं हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, अभी डिटेल डिस्क्रिप्शंस देंगे। ओके वाओ, सो भाई बड़ी अमेजिंग सी रीडिंग निकल के आ रही है। चैरियट का कार्ड यहाँ पर आ गया है, प्रोमिनेंटली डेफिनेटली यहाँ निकल के आया है कैंसर कर्क राशि, चल पड़े हैं किसी सफ़र पर। एस ऑफ वॉन्ड भाई यहाँ तो डिवाइन भी आपके साथ है, आप दोनों के रिलेशनशिप के साथ हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड, ओके। नेक्स्ट आया है हैरोफेंट, बातें कर रहे हो, झगड़ रहे हो, कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, साथ रहना चाहते हो, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप मेंटेन कर रहे हैं, रुके हुए हैं, पॉज ले रखा है, इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, आना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट पार्टनर हो, जन्मों जन्मों से आप दोनों का साथ है। आपके लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग उनके दिल में यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी चीज़ का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिस तरीके से वो आपसे प्यार कर रहे हैं, जिस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप दोनों में दूरियाँ आई हैं, किसी भी वजह से दूरियाँ आई हैं, तो इन दूरियों ने आपका एहसास और बढ़ा दिया है आपके पार्टनर के दिल में। चेंज हो रहे हैं इमोशंस आपको लेकर के, आपके लिए डीप लव फील कर पा रहे हैं, एक क्रॉस कनेक्शन फीलिंग आ रही है। सो कहीं ना कहीं एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो, एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप दोनों में दूरियां रहें। सो आप कैसे भी आप दोनों एक होंगे, ज़रूर एक होंगे, सही समय का इंतज़ार कीजिए। डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं ना, वो आपको बिल्कुल भूले नहीं हैं, आपको दिन रात याद कर रहे हैं, आपसे मिलने की तमन्ना है, आपके पास आने का इरादा है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। देख लिया डिस्टेंस मेंटेन करके, देख लिया आगे बढ़ के, मूव ऑन करना चाहा बट नहीं कर पाए,
आपके प्यार ने इनको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। सो चाहते हैं आपका साथ, मिलना चाहते हैं, किसी की ना किसी बहाने से आपको देखना चाहते हैं। और यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, उनकी इच्छा है आपसे एक बार मिलने की, एक बार बात करने की। बढ़ रहे हैं कदम आपकी तरफ, कोई इरादा सॉलिड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन उनको एक नई शुरुआत करा रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस इनके अंदर आ रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आप दोनों के बीच में आ रही हैं। और आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, या जो भी इनको रोक रहा है कमिटमेंट देने से, एक कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत बहुत डीप थॉट्स में हैं और कुछ एक्शन करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग डेफिनेटली आपके पार्टनर की ट्रैवलिंग आ रही है, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। तो एक गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है, आपके पार्टनर का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है आपके लिए। सो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। और मैरिज के लिए, अगर आप दोनों अनमैरिड हैं, किसी भी वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है, पेरेंट्स की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, कास्ट इश्यूज़, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ का कोई ना कोई हल आपके पार्टनर बहुत जल्द निकालने वाले हैं। आपके पार्टनर को अब सही गलत की पहचान होती हुई दिखाई दे रही है, उनको ये समझ में आ रहा है कि जो भी सिचुएशन इनको रोक रही है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है। लोग इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं, धीरे धीरे करके आपकी तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर इनके दिल में पहले आपके लिए इतने इमोशंस नहीं थे, तो अब इनके मन में बदलाव आ रहे हैं और इमोशंस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से इतना नहीं सोचते हैं, दिल से बहुत सोचते हैं, स्ट्रांग हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की। हो सकता है आपके पार्टनर किसी ऐसी पोस्ट पर बैठे हो जहाँ पर इनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसी डेजिग्नेशन हो सकती है आपके पार्टनर की, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को काफ़ी जगह जाना आना पड़ सकता है। सो एक ट्रैवलिंग भी हो सकती है। और हाँ, ये ज़रूर आ रहा है कि आप में से कई कई लोगों के जो पार्टनर हैं वो मुझे शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं, एंड भक्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर, और कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाल लेते हैं ताकि इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। सो एक वॉरियर की तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं, हमेशा जीत ही हासिल करना चाहते हैं अपनी हर लड़ाई में, अपनी ज़िंदगी की हर लड़ाई में जीतना चाहते हैं और आपको भी जीतना चाहते हैं। सो अगर आप लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स अगर आप दोनों के बीच में हुई है, तो वो आपके आपसे मिल करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। अभी हो सकता है किसी से गाइडेंस ले रहे हों, किसी से कोई सलाह मशवरा कर रहे हों, मोटिवेशनल स्पीचेस भी आपके पार्टनर सुन रहे हैं। आपका बीच में कई बार ब्रेकडाउन भी हुए, दिल कई बार टूटा है, नाराश हताश हुए हैं, बट अभी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट? हो सकता है आपके पार्टनर शादी के लिए अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को मना रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली डेफिनेटली इनके अगेंस्ट हो रही थी, बट अभी इनके फेवर में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज हेरोफेंट का कार्ड यही बता रहा है कि अब आपके जो पार्टनर हैं उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है और आपके फेवर में ही आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, राइट? और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया था? ओके, सो प्यार का इजहार, कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, दिल थाम के बैठ जाइए। आपके पार्टनर किसी से बात कर रहे हैं, आप तक कोई ना कोई मैसेज पहुंच सकता है, आप तक कोई गिफ्ट्स पहुंच सकते हैं, आप तक कोई ना कोई मिलने आपसे आ सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। सो कोई चीज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है, आपके पार्टनर या उनका कोई मैसेज आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी से अपने दिल की बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बिना रह पाना अभी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, सो एक एहसास है, वाओ, देखो सिक्स ऑफ कप्स
को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड. सो डिवाइन का मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि उनका प्यार ना ऐसे मतलब निकल निकल के बाहर आ रहा है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इनसे, कैसे भी करके फटाफट आपके पास आना चाहते हैं. राइट, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, और कोई चाहते हैं कि आपसे बहुत जल्द मिलन हो इनका. राइट, डिवाइन आप लोगों को कोई ना कोई मैसेजेस भेज रहे हैं, एंजल्स आप तक कोई मैसेजेस ज़रूर से ज़रूर भेजेंगे. आपको सिग्नल्स मिलेंगे कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपके पास आने के लिए बड़े छटपटा रहे हैं. चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है, ओ माय गॉड, चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड. सो अगर थोड़े टाइम पहले रुक गए थे या सोच रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में भाग कर आपके पास आएंगे, कहीं भी होंगे आपके पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे, और इतने पैशनेट हो रहे हैं अभी आपको लेकर के. अब इनको ऐसा लग रहा है भले ही कमर कसनी पड़ जाए, किसी से भी लड़ना पड़ जाए, कितना ही युद्ध करना पड़ जाए, किसी को भी मनाना पड़े, लेकिन अब वो आपका साथ और आपका हाथ कैसे भी करके नहीं छोड़ पाएंगे. मूव ऑन करना आसान नहीं हो रहा है, आपके बिना रह पाना आसान नहीं हो रहा है, तो आपकी तरफ बहुत जल्द लौट करके आएंगे. दो एस का कार्ड डेफिनेटली, आप 111 क्लेम कीजिएगा. ओके, मतलब आज तो आपके लिए जैकपॉट पे जैकपॉट आ रहा है. एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून. सो जो तकलीफें आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी, बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है भाई. व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम कीजिए, जल्दी जल्दी क्लेम कीजिए. जितने लोग रीयूनियन चाहते हैं, जितने लोग चाहते हैं कि पार्टनर जल्द से जल्द वापस आ जाए, सब कुछ माफ़ करने को तैयार हो, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर चाहिए, उसके बिना आप भी नहीं रह पा रहे हो. राइट, सो क्लेम कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो रही है, आपके किसी नए सफ़र की शुरुआत होने वाली है, आपका बुरा समय समाप्त होकर के अच्छा समय आपकी तरफ आ रहा है. फाइव ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड. उनको पता है कुछ लड़ाई हुई है आप दोनों में, कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा आपसे कह दिया है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इस लड़ाई की वजह से, इस झगड़े, इस बहस की वजह से. अगर नहीं भी हुई है ना आप लोगों में कोई बहस और कुछ भी नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, नो कॉन्टैक्ट दिया है, तो आपको तकलीफ हुई है, आपको रुलाया है उन्होंने, इस चीज़ का ऐसा सास इनको हो रहा है, और ये चीज़ें दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, दूसरों से बातें भी कर रहे हैं, और खुद गिल्टी भी हो रहे हैं. हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड. सो बहुत जल्द आपसे शादी करने के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, एंगेजमेंट के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, आपका दिल तोड़ने का अंजाम इनको भुगतना पड़ रहा है, और अब इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, जो दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे फैमिली को मनाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, आपकी तरफ बहुत जल्द आएंगे. इवन अपने किए की माफ़ी आपसे भी बहुत जल्द मांगना चाहते हैं, और आपका साथ डेफिनेटली यहाँ पर चाहते हैं. पेज ऑफ स्वॉर्ड. राइट, सो बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे. राइट, कोई अब ये रेडी हो चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए, वापस कभी भी आ सकते हैं. रीयूनियन ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा. उनको गिल्ट भी हो रहा है. राइट, अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो खुद को खुद से ही, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी खुद से ही या उनका दिल खुद से ही लड़ रहा है. राइट, और उदास भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं. उनको लगा था कि ये कनेक्शन बस इतना ही है, ये रिलेशन बस इतना ही है, लेकिन नहीं, अब बहुत ख़राब हालत हो गई है इनकी. राइट, आपसे शेयर करना चाहते हैं हर बात, जो गलती इन्होंने की वो, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपको कहना चाहते हैं कि आपके बिना नहीं जी सकते हैं, और आपको छोड़ कर जाने का फ़ैसला बहुत ज़्यादा गलत था इनका. राइट, और खुद से ही फाइट चल रही है अभी, आपकी यादों और आपके सपनों में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए सारे पल उनको याद आ रहे हैं, और आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हैं, आपके साथ प्यार बांटना
चाहते हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। 111 क्लेम कीजिए, बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहां जाके आप सब्सक्राइब कीजिए और रीडिंग्स को देखिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, सबके लिंक्स बायो में दिए हुए हैं। सो चलिए, ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।